अमृतसर के दशहरा रेल हादसे के पीड़ित परिवारों ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की कोठी पर प्रदर्शन किया। पिछले साल 19 अक्टूबर को जोड़ा फाटक के पास हुए इस रेल हादसे में 60 से ज्यादा व्यक्ति मारे गए थे। नवजोत सिद्धू के अमृतसर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के चौड़ा बाजार के धोबी घाट ग्राउंड में दशहरा देख रही भीड़ को तेल गाड़ी ने कुचल दिया था। दशहरा समारोह का आयोजन नवजोत सिद्धू के खास पार्षद मिट्टू मदान ने किया था। नवजोत सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू दशहरा समारोह की मुख्य अतिथि थी। प्रदर्शन करने वालों ने नवजोत सिद्धू पर घटना के बाद पीड़ित परिवारों से किए गए वादे पूरे न करने के आरोप लगाए। दशहरा हादसे के करीब 30 पीड़ित परिवार शनिवार को नवजोत सिद्धू की होली सिटी में स्थित कोठी पर इकट्ठे हुए। रेल हादसे के समय नवजोत सिद्धू लोकल वाणिज्य मिनिस्टर थे। प्रदर्शन करने वालों ने बताया कि घटना के बाद नवजोत सिद्धू ने हरेक पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वायदा किया था। नवजोत सिद्धू ने उन पीड़ित परिवारों की रसोई का मासिक खर्च उठाने का वायदा भी किया था जिन परिवारों का कमाने वाला सदस्य इस हादसे में मारा गया है। प्रदर्शन करने वालों ने बताया कि पीड़ित परिवारों के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने का वायदा भी किया गया था। सभी पीड़ित परिवार नवजोत सिद्धू के अमृतसर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं। पीड़ित परिवारों ने दशहरा हादसे की जांच रिपोर्ट के बारे में भी सवाल किए। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दशहरा हादसे की मजिस्ट्रेट से जांच कराने के आदेश दिए थे। जांच की रिपोर्ट पिछले साल नवंबर में ही पंजाब के होम सेक्रेटरी को सौंप दी गई थी। इस हादसे में 72 व्यक्ति बुरी तरह से घायल भी हुए थे। पीड़ित परिवारों के सदस्य श्राद्ध पक्ष की समाप्ति पर नवजोत सिद्धू की कोठी पर इकट्ठा हुए थे। प्रदर्शन करने वालों में महिलाएं और बच्चे ज्यादा थे। इस हादसे में घायल होने वालों पर भी पीड़ित परिवार हजारों रुपए खर्च कर चुके हैं। पीड़ित परिवारों में ज्यादातर प्रवासी मजदूरों के परिवार हैं। प्रदर्शन करने वाले करीब 3.5 घंटे तक नवजोत सिद्धू की कोठी के बाहर नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शन करने के समय नवजोत सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर कोठी में मौजूद नहीं थे। पीड़ित परिवारों ने घटना के बाद किए गए वायदे पूरे न होने पर आंदोलन तेज करने की धमकी भी दी है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।